नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। जुमे की नमाज के बाद आज देश के अलग अलग शहरों में नुपुर शर्मा के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें आपने देखी, अब आपको दिल्ली के ही जामिया में चल रहे प्रोटेस्ट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जामिया में भी भीड़ सड़क पर उतरी है और नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर प्रदर्शन कर रही है। यूपी से भी इसी तरह के वीडियो सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल ये जामिया से आप देख लीजिए किस तरीके से पोस्टर लगाकर, किस तरीके से पुतला जलाकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जगह जगह से देश भर में ऐसी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। दिल्ली की ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। जामिया में यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है, हाथों में पोस्टर है, पुतला जलाकर नारेबाजी की जा रही है और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो देखिए ये तस्वीरें, दिल्ली के जामिया इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां हाथों में पोस्टर है, पैटर्न वही है। जामा मस्जिद के अंदर जो आपने प्रदर्शन की तस्वीरें देखी, इसी तरह से वहां पर उनके हाथों में पोस्टर था। बस अंतर यह है कि उन पोस्टर्स में लिखा हुआ था, इसमें तस्वीरें बनी हुई है और नुपुर शर्मा की तस्वीर के ऊपर एक क्रॉस का निशान भी बना हुआ है। लगातार उनके बयान पर उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और ये प्रदर्शन हो रहा है। ना सिर्फ जामिया से इस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बल्कि अब से कुछ देर पहले की जामा मस्जिद की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं परिसर के अंदर। हमें अपनी जान भी अजीज नहीं है, लेकिन रोजाना ये हुकूमत और इनके चमचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर उंगली उठाकर मुसलमानों को वरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं बीजेपी हुकूमत से कह देना चाहता हूँ कि अगर आप इसी तरीके से अपने इन चमचों को टीवी डिबेट के अंदर भेज करके और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कराते रहे, तो याद रखिएगा हमारी जान जा सकती है, नबी की शान पर आंच नहीं आ सकती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। दिल्ली के जामिया से आपने तस्वीरें देखी और आपने भी सुना कि किस तरीके से लोगों से अपील की जा रही है। साफ तौर पर सरकार पर हमला बोला जा रहा है और उस बयान का विरोध जताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ धार्मिक नारेबाजी भी आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी अतुल भाटिया का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, ये बयानबाजियां, नारेबाजियां हम सुन रहे हैं, एक तरफ तो लोग ये पूछ रहे हैं कि इन लोगों को भड़काता कौन है, दूसरी तरफ से इस तरह के बयान अगर सामने आएंगे तो तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाएगी। फिलहाल वहां किस तरह की स्थिति? देखिए, अब से कुछ देर पहले ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ है और ये जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ये प्रोटेस्ट था और ये गेट को जो है वो बंद कर दिया गया था। जो प्रोटेस्टर है, जो स्टूडेंट्स थे, वो यूनिवर्सिटी के अंदर थे, वो एक एग्जाम गेट के ऊपर इकट्ठा होते हैं, पुतला नुपुर शर्मा का जलाते हैं, नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की जाती है और उनका कहना यह था कि अगर किसी भी तरीके से गुस्ताखी की जाएगी। आज जैसे कि जुमे की नमाज होती है, फ्राइडे प्रेयर जो होती है उसका, इसके लिए वहाँ पे गैदरिंग थी मस्जिद के अंदर, करीब 1500 के लगभग लोग थे। जब ये प्रेयर ख़त्म हुई, नमाज ख़त्म होने के बाद कुछ लोग सीढ़ियों पर ही इकट्ठा हो गए और वहीं से ग्रुप बना के बाहर आए। बाहर कुछ लोग उनमें आके मिले, उन्होंने फिर कुछ प्लैक कार्ड्स दिखाए हैं और एलिजेडली जो कमेंट्स हुए थे, जो नूपुर और नवीन ने जो किए थे, वो उनके बारे में जो कमेंट्स थे उसके अगेंस्ट ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लगभग 300-350 के करीब एक टाइम पे गैदरिंग हो गई थी, लेकिन शांतिपूर्वक रहा है और 10-15 मिनट के अंदर ही हमने इस पर काबू पा लिया और भीड़ को जो है वहाँ से हटा दिया गया। मैम, क्या कोई डिटेन भी किया गया है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग इकट्ठा हो गए थे और जामा मस्जिद में ही प्रोटेस्ट करने लगे, तो क्या कोई हिरासत में भी लिया गया? प्रोटेस्ट बाहर किया गया है, लोग अंदर से इकट्ठा हो गया है, लेकिन प्रोटेस्ट बाहर के सड़क पे किया गया है, बिना परमिशन के किया गया था, तो उसमें लीगल एक्शन लेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।